बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुर्रा हवाई के बारे में बात करेंगे। ये मज़मून है जुग्राफिया और मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। रब इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। कुर्रा हवाई के तहत हम आज चार मौजूआत पर बात करेंगे। उसमें से पहला मौजू है कुर्रा हवाई, यानी कुर्रा हवाई होता क्या है। दूसरा मौजू आज का है कुर्रा हवाई की तरकीब क्या है। कुर्रा हवाई में दो तरह की गैसें होती हैं। एक गैसें वो होती हैं जो मुस्तकिल होती हैं, यानी उनकी मिकदार कम या ज़्यादा नहीं होती, उनके बारे में हम बात करेंगे। और एक किस्म की गैसें ऐसी होती हैं जिनकी मिकदार बढ़ती और घटती रहती है, इसे इन्हें तगय्युर पज़ीर गैसें कहते हैं। तो आज का जो हमारा मौजू है उसमें जो हमारे ज़ैली मौजूआत हैं वो कुर्रा हवाई है, कुर्रा हवाई की तरकीब है, मुस्तकिल गैसें हैं और तगय्युर पज़ीर गैसें हैं। तो आइए शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। कुर्रा हवाई क्या होती है? हमारी ज़मीन एक कुर्रे की तरह है, हमें पता है। कुर्रा कहते हैं फुटबॉल या गेंद जो है उसकी तरह की जो गोल चीज़ होती है, जिसे इंग्लिश में सफ़ियर कहते हैं। हमारी ज़मीन उस कुर्रे की तरह है, यानी फुटबॉल की तरह है, गेंद की तरह है, और इसके गिर्द हवा का एक गलाफ है। हमारी ज़मीन के गिर्द हवा का एक गलाफ है जो तकरीबन 350 किलोमीटर मोटा है। हवा का ये गलाफ भी कुर्रे की तरह है, ये भी एक गेंद की तरह है। जिस तरह एक गेंद के ऊपर एक गलाफ चढ़ा हुआ होता है, तो हमारी ज़मीन के ऊपर हवा का एक गलाफ चढ़ा हुआ है जिसकी मोटाई तकरीबन 350 किलोमीटर है। ये जो हवा का कुर्रा है, हवा का गोला है, हवा का गलाफ है ज़मीन के गिर्द, उसे कुर्रा हवाई कहते हैं और इंग्लिश में इसे एटमोसफियर कहते हैं। कुर्रा हवाई की तरकीब क्या है? यानी जो हमारे ज़मीन के गिर्द कुर्रा है, गोला है, गलाफ है हवा का, उसकी तरकीब क्या है? तो कुर्रा हवाई मुख्तलिफ किस्म की गैसों से बना हुआ है। कुर्रा हवाई में मुख्तलिफ गैसें होती हैं। इनमें से जो गैसें हैं जो ज़्यादा मालूम है हमें या ज़्यादा मशहूर हैं या जिनकी मिकदार ज़्यादा है, उनमें सबसे पहली गैस है नाइट्रोजन गैस, फिर ऑक्सीजन गैस है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, ओजोन है और आबी बहरात हैं। इसके अलावा भी छोटी मोटी और चीज़ें भी हैं, लेकिन हम उन गैसों का जिक्र हमने किया है जिसमें सबसे ज़्यादा मिकदार नाइट्रोजन की होती है, फिर उससे कम मिकदार ऑक्सीजन की होती है, फिर कम मिकदार होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, और बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, हीलियम, नियान, ओजोन और आबी बहरात जो हैं वो थोड़ी मिकदार में मौजूद होते हैं। तो कुर्रा हवाई गैसों का बना हुआ है। इनमें जो ज़्यादा मिकदार जिन गैसों की होती है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, और कुछ मिकदार कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। ये गैसें जो हैं वो दो किस्म की हैं जिनके हमने बारे में पहले बात की है। एक मुस्तकिल गैसें हैं जिनकी मिकदार कम या ज़्यादा नहीं होती, और दूसरी वो गैसें हैं जिनकी मिकदार कम या ज़्यादा होती रहती है। तो कुर्रा हवाई में ज़्यादा मिकदार नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस की है। नाइट्रोजन गैस की मिकदार 78% यानी 78% होती है। सबसे ज़्यादा मिकदार हवा में नाइट्रोजन गैस की होती है और इसकी मिकदार 78% है, 78% है। हवा में दूसरे नंबर पे जो गैस है वो है ऑक्सीजन गैस, इसकी मिकदार 21% 21% होती है। अगर इन दोनों को जमा करें तो ये 99% बनती है, 99% बन जाती हैं। यानी सबसे ज़्यादा कुर्रा हवाई में जो गैसें हैं वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हीलियम, हाइड्रोजन और आबी बहरात, यानी जो पानी है वो बहरात की शक्ल में मौजूद होता है। इसके अलावा दूसरी जो गैसें होती हैं, नियान वगैरह है, आर्गन है, ये गैसें जो हैं वो बहुत कम मिकदार में हैं, और ये सारी गैसें मिलकर 1% बनाती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हीलियम, हाइड्रोजन, आबी बखारात, ये सारी गैसें मिलकर 1% बनाती हैं, जबकि बाकी जो 99% है, 99% जो कुर्रा हवाई है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है।
ये गैसें जैसे हमने पहले बात की है दो तरह की होती हैं। एक है मुस्तकिल गैसें, वो गैसें हैं जिनकी मिकदार कम या ज़्यादा नहीं होती, फिक्स रहती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मिकदार हवा में तब्दील नहीं होती। नाइट्रोजन 78% है, 78% है तो वह 78% ही रहती है। ऑक्सीजन की मिकदार 21% है तो 21% ही रहती है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मिकदार कम या ज़्यादा नहीं होती, इसलिए इन्हें मुस्तकिल गैसें, परमानेंट गैसेस कहा जाता है। और ये कुर्रा हवाई का 99% हिस्सा बनाती हैं। दूसरी किस्म की गैसें जो हैं वो तगैयर पजीर गैसें हैं। तगैयर कहते हैं तब्दील होने को, यानी ये ऐसी गैसें हैं जिनकी मिकदार तब्दील होती रहती है। और वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और ये मुख्तलिफ कारखानों की चिमनियों से और मुख्तलिफ चीज़ों से निकलती रहती है, और पौधे इसको इस्तेमाल भी करते रहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम ज़्यादा होती रहती है। उसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी मिकदार भी कम या ज़्यादा होती रहती है। फिर ओजोन गैस है, ये भी कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। और अगर जिस तरह हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की और कार्बन मोनोऑक्साइड की और दूसरी जब जो पोल्यूशन है आलूदगी है उनकी मिकदार जब बढ़ती है तो ओजोन की मिकदार कम हो जाती है। तो ओजोन ऑक्सीजन की एक किस्म है। ऑक्सीजन का फार्मूला O2 होता है, तो ओजोन का O3 है। ये ओजोन जो है वो हमारी ज़मीन को सूरज की तरफ से आने वाली बाला बनफशी शुआएं जो होती हैं, जो बड़ी ख़तरनाक होती हैं, उनको रोकती है। ये एक छतरी की तरह का काम करती है, हमारी ज़मीन को महफूज रखती है सूरज की जो ख़तरनाक शुआएं उनसे। तो ओजोन की मिकदार भी कम होती रहती है, ज़्यादा भी होती रहती है। और आबी बखारात जो पानी के बखारात होते हैं हवा में, जो रुतूबत होती है उसकी मिकदार भी कम या ज़्यादा होती रहती है। इसलिए इन गैसों को हम तगैयर पजीर गैसें कहते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और आबी बखारात जो हैं उनकी मिकदार हवा में कम या ज़्यादा होती रहती है। इसलिए इन्हें तगैयर पजीर या तब्दील होने वाली गैसें कहते हैं। तो ये था आज का हमारा मौजू, मुख्तसर सा हमारा ये टॉपिक था। और इसमें हमने देखा कि कुर्रा हवाई क्या होती है, कुर्रा हवाई के की तरकीब क्या है, और फिर हमने दो तरह की गैसों का जिक्र किया। एक है मुस्तकिल गैसें और दूसरी हैं तगैयर पजीर गैसें। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सबक आपको पसंद आया होगा। आपका ये चैनल तालीम मंजिल आपका अपना चैनल है, इसका मकसद स्टूडेंट की और टीचर्स की मदद करना है और मुश्किल मजामीन को आसान करके पेश करना है। इस चैनल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश, इस्लामियात और एजुकेशन और दीगर बहुत सारे मौजूदात पर बात होती है। इस चैनल को आप लाइक भी कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक पहुँच सके और सब लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज, अगले सबक तक फी अमानिल्लाह।